इनका पूरा टीम मैं स्वागत करता हूँ। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मोदी जी के साथ और यहाँ सीएम बिप्लब देव जी के साथ काम करने के लिए जो डिसीजन इन्होंने लिया और इनका टीम जो लिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए ये अच्छा समय में अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया क्योंकि असेंबली इलेक्शन और एक साल बाकी है, करीब एक साल, और इस समय मोदी जी पूरा वर्ल्ड में नंबर वन नेता है और देश के लिए इन्होंने जितना दिया इस 7-8 साल में वो हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। खास करके ये नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है ये बहुत सालों से इंडिपेंडेंस के बाद इतना डिक्लाइन हुआ था ये रीजन, तो इन्होंने आके इतना अच्छा काम किया और खास करके जनजातियों के लिए। यहाँ त्रिपुरा में देखिए हम लोगों का एक मांग था महाराजा विक्रम जी के नाम पे एक एयरपोर्ट का नाम हो, बहुत कुछ हो, लेकिन मोदी जी और बिप्लब देव जी ने ये काम करके दिखाया। आज एक दिन का छुट्टी हो या महाराजा विक्रम जी के नाम पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने इतना शानदार से बना के दिया और 1300 करोड़ जो दिया एसटी वेलफेयर के लिए यहाँ त्रिपुरा के लोगों के लिए, ये भी एक हिस्ट्रिकल कदम है। तो मेरे ख्याल से पाटिल कन्हैया जी ये सब कुछ देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर एलएस करके काम करने से अच्छा है डायरेक्ट किसी पे काम करें, तो इसलिए मैं इनका जो डिसीजन है इस डिसीजन को मैं स्वागत करता हूँ। सर ये बोला जा रहा है पॉलिटिकली के इंदिरा मोदी के राइज के कारण ही बीजेपी ने ये स्टेप लिया है, इसको आप क्या इंदिरा मोदी जो बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है ट्राइबल एरिया में, उसको एक तरीके से रोकने के लिए पता करना जवाब दिया। देखिए कौन बुरा है कौन छोटा है, बीजेपी में 10 MLA और अभी 12 MDCs है और मैं भी हूँ MP, तो 10 MLA, 1 MP, 10 MDCs, ये भी ये बताते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है त्रिपुरा में और जनजाति बीजेपी के साथ है। तो कोई अगर 20-30 हजार की गैदरिंग करने से वो बड़ा पार्टी हो गया, ये प्रमाण नहीं है। 2023 साल अभी बाकी है इलेक्शन, तो उसमें दिखा जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और सभी को बीजेपी में आना है। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, कोई दायरे का है या इंदरे का है, सबको बीजेपी में आना होगा और इसलिए मैं सबको वेलकम करता हूँ। जो भी अभी सोच रहा है बीजेपी में जाना ठीक होगा कि नहीं होगा, सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आइए, समय अभी भी है, आप लोग सभी बीजेपी में साथ। धन्यवाद।